Hey guys, good morning. तो स्वागत है आपका मेरे को नए वीडियो में। तो आज मैं जाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, इतना दिन हो गया लाइफ का 24-25 साल, बट सूरजकुंड कभी नहीं गया हूँ। तो पहली बार जाने वाला सूरजकुंड। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 8 और वहीं जाके सूरजकुंड में गरम गरम पानी निकलता है कुंड से, तो वहीं जाके नहाना धोना है और वहीं के बारे में एक्सप्लोर करना है, जानना है। तो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ। मेरे साथ आज कुछ नए गेस्ट हैं, कुछ नए लोग हैं, तो उनसे भी मिलाऊंगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। लॉन्ग ड्राइव में तुम्हें ले जा। गाइस, ये सस्ता पतरातु वैली है, देखिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए सस्ता वाला, इसमें सरकार कम पैसा खर्चा किया है इसलिए सस्ता वाला हो गया। बाकी पतरातु वैली का पूरा फील आता है। तो गाइज, हम लोग अभी पहुंच गए सस्ता मनाली का वैली, पूरा खतरनाक। ये वादियां और ये प्यारी बच्ची देखिए। हेलो प्रीशा, हेलो। तो गाइज, इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है प्रीशा, प्यारी भांजी, और ये दी है पॉली दी। इधर है जीजू, और ये पॉली दी, और पीछे खड़ा है। और यहाँ से हम लोग वादियाँ का थोड़ा सा लुफ्त उठाने के लिए रुके हुए हैं, बट कुहासा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ सामने पहाड़ वहाड़ जो है कुछ साफ नहीं दिख रहा। बाकी नेचुरल आँखों से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग रुके हुए हैं बीच घाटियों में, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता है, तो इधर से आए तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जोर से चिल्ला रही है गाइस, प्रीशा पूरा खुश है जाने। तो गाइस, ये जो गेट देख रहे हैं यही है सूरजकुंड धाम का गेट, मेन गेट, और हम लोग लगभग डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। और ये रहा गेट, ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं गेट से। प्रीशा एकदम ताक रही है हमको और घुस गए रोड के अंदर। चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं गाड़ी से बैठे बैठे कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए वहाँ देख रहे हैं, भाप निकल रहा है इस मौसम में, इस बारिश में, इस ठंडे के मौसम में वहाँ से भाप निकल रहा है, समझ सकते हैं। इतना गर्म पानी निकलता है हर मौसम में, हमेशा, ऑलवेज, यही है यहाँ का सच्चाई। तो गाइस, आज है मेरे साथ प्रीशा। हेलो प्रीशा, देखिए। और चलते हैं, आपको पहले कुंड दिखाते हैं और यहाँ का सच्चाई जो है, और जो बहुत जगह है ऐसा कुंड जहाँ गर्म पानी निकलता है हमेशा, ऑलवेज। तो वैसा ही एक हमारे गांव से नज़दीक लोकेशन है, वहाँ पे है, जिसको बोलते हैं सूरजकुंड, बरकट्ठा के आसपास पड़ता है। तो वहीं आए हुए हैं और अभी चलते हैं, देखते हैं, और फिर यहीं पे नहाना वहाना है और घूमते हैं पूरा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे 2 कदम आगे है वो कुंड, पहुँच रहे हैं हम लोग। प्रीशा मेरे साथ, ये देखिए, हाँ, कुंड को ऐसे देखिए, यहाँ पे भगवान लोग कुछ मूर्ति स्टैचू, और ये वो कुंड है, देखिए भाप निकल रहा है। प्रीशा घूम रही है इधर उधर, ताक रही है। हम लोग चलते हैं अंदर और सामने से देखते हैं। टू टू चप्पल खोल लिया हमने मस्त, यहाँ से देखिए घंटी बजाएंगे। देखिए यहाँ पे भगवान जी हैं, इस कुंड में कम भाप निकल रहा है, और फिर इधर का कुंड जो है सामने का, देखिए यहाँ से हमेशा गर्म पानी निकलता है, इतना भाप खोलता है वो पानी पूरा। जब पानी जलने के बाद जो स्मेल आता है भाप का, वो स्मेल पूरा आ रहा है, देख सकते हैं भाप पूरा उड़ रहा है। देखिए ये देखिए कितना टेम्परेचर बताया पंडित जी, 88 88
और इसमें चावल अगर बनाना चाहे आदमी तो 18 मिनट में तैयार हो जाएगा, कपड़ा बांध के डाल दीजिए तैयार हो जाएगा, 18 मिनट में बन जाएगा। तो ये कुंड कैसे बना है, कुछ आइडिया आपका? प्राचीन काल का जो है ये समझ लिए कि त्रेता युग में राम लक्ष्मण सीता जब वनवास हुए थे उसमें राजा दशरथ देहांत कर गए, पिंडदान करने के लिए गया आए थे, ऋषि मुनि का रामनामा का जाप किया करते थे, यहाँ विराट जंगल था ना, तो दर्शन देने के लिए भगवान तो अंतर्यामी है, कहाँ कौन ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनके, तो दर्शन देने के लिए आए तो देखे कि एकदम इतना मतलब लीन है मैंने रामनामा जाप में कि पूरा शरीर का जो है हड्डी जो है सो पूरा दिया लग रहा है, कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, तो बाण मारे उत्पत्ति किए जल का और उनको ठंडा जल निकला, तो स्नान ध्यान करवाए, पानी पिलाए, जब चलने लगे तब बोले कि ये कलयुग जब आएगा तो पशु पक्षी झूठा कर देगा, ऐसा अद्भुत करके जाइए कि जुगो जुगो आपका नाम जो है बना रहे, तो अग्नि बाण चलाए तो जल जो है खोलना शुरू हो गया और राम सूर्य वंशी थे इसलिए सूरज कुंड नाम, सूरज कुंड। तो ये था कहानी यहाँ का जो परंपरा से चलते आया है, सबको जिस चीज़ को मानते हैं, तो हम लोग सुने पंडित जी के जुबान से और यही वो कुंड है जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यही कोई बहुत बड़ा जगह पे बहुत बड़ा सिटी में होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता और ये एरिया काफ़ी डेवलप होता, बहुत टूरिस्ट लोग आते, बहुत तरह तरह के लोग, लेकिन ये हम लोग छोटे जगह पर है तो कम है, फिर भी जब यहाँ मेला लगता है तो लाखों के तादाद पे भीड़ होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होता है यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं और पूरा घूम के आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये सीता कुंड है बगल में, ये जस्ट देखिए आप डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, ये कुंड ठंडा है, बिल्कुल ठंडा पानी और यहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा। तो ये क्या बोलते हैं, ये तो एक तरह का चमत्कार ही है, आप समझ सकते हैं। क्या बोले पंडित जी, इसमें मेढक मेढक तैरता है, हाँ हाँ वो देखिए एक जीवन यहाँ पे जी सकता है, आपको मजाक लग रहा तो वो देखिए मेढक, यहाँ पे मेढक भी रहता है। तो ये कुंड ठंडा पानी है और ये पे उधर 55% देखिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा है इस पानी से, ये लक्ष्मण कुंड है, ये सीता कुंड और उधर राम कुंड सूरज कुंड है। तो देखिए कितना एक ही जगह पे, 1 2 3 तीनों कुंड एक ही जगह पे, उधर भी है और है। तो चलिए पंडित जी बता रहे हैं दो कुंड, वो कौन कौन सा पंडित जी? कुंड है, अच्छा राम कुंड, 45 और उनका 45 कौन सा, ये वाला, ये कुंड 45 टेम्परेचर है, ये कौन सा ब्रह्मा जी का, सारा 5 कुंड है टोटल, सबसे ज़्यादा खोलने वाला 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का, वो सूरज कुंड, ये राम कुंड, ये ब्रह्मा कुंड और वहाँ पे लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड, सबसे पानी ठंडा है सीता कुंड का, बाकी सबका टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा ही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, ये था आज का जानकारी सूरज कुंड का, तो आगे देखते हैं क्या होता है और आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं 5 कुंड का पानी मिक्स होके इस जगह पे आता है, फिर यहाँ से डिवाइड होके इस साइड के नीचे जाता है, इस साइड में जेंट्स लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे लेडीज़ लोग, फिर स्नान करके ये जो सामने मंदिर है इस मंदिर में लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से अपनी श्रद्धा अपनी आस्था को प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर रखते हैं। तो चलिए हम लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, इतना दूर आए हैं पहली बार, इतना नज़दीक होने के बावजूद भी पहली बार यहाँ आए, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस मैं खड़ा हूँ अंदर में और यहाँ पे पूरा गर्म लग रहा है, ये देखिए ये वो मेन गुफा जैसा है जहाँ से पानी हमेशा निकलते रहता है और खोलते रहता है, देखते हैं बुलबुला वन वन कैसे पानी खोलते रहता है हमेशा, यही वो कुंड है, काफ़ी गर्म है, मुझे पसीना भी आने लगा, देख सकते हैं पसीना भी आने लगा मुझे। तो चलते हैं यहाँ से, पहले स्नान करते हैं फिर आके पूजा अर्चना करेंगे। तो गाइज देखिए प्रिसा आज सूरजकुंड में पहली बार नहाएगी, और मैं 25 साल का पहली बार नहाऊंगा, प्रिसा 8 महीने की पहली बार नहाएगी, देख सकते हैं ये होता है तकदीर लक, क्या क्या हाल चाल, ठीक है
मुंह क्यों फुला रही हो? हंस दी। चलो 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 चलते हैं, पहले प्रिशा को हम लोग नहला लेते हैं, उसके बाद खुद नहाएंगे। तो गाइस देखिए, मस्त प्रिशा हुल्लू हुल्लू करके रेडी हो गई, हुल्लू हुल्लू हुल्लू। तो अब बारी हम लोग का, तो चलते हैं, हम लोग भी हुल्लू हुल्लू कर लेते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, नहाने गए, डूब नहीं सके, पूरा का पूरा अगर पानी में सोचे कि डूब के नहा लें, पॉसिबल नहीं। जग से उठा के थोड़ा थोड़ा छीट छीट के, इतना गर्म पानी सो सकते, 88 डिग्री, 55, 45, और एक है सीताकुंड, उसमें नॉर्मल पानी आता है, वो मिक्स होके यहाँ आ रहा है। तो यहाँ का भी टेम्परेचर हमको नहीं लगता है कि 50-55 से कम होगा, 60 से कम होगा। अभी तक पैर मेरा लिटरली जल रहा है, अभी तक, मतलब बॉडी ठीक हो गया, पैर अभी तक जल रहा है, क्योंकि पैर ही ज़्यादा टाइम तक पानी में डूबा हुआ था, तो पैर ज़्यादा जल रहा है। और अभी है जीजू और प्रिशा साथ में, पूछते हैं जीजू से, जीजू बताइए कैसा रहा? बहुत बहुत गर्म, अभी तक जीजू गर्मी कारण से कपड़ा नहीं पहन पाए। हम तो यहाँ 10 बार आए, लेकिन पहली बार नहाए। आए तो 10 बार है, लेकिन कैसा पानी, कितना गर्म था पानी? बहुत ही ज्यादा गर्म था, हमको लगता है कि डूब पाना सबके बस में नहीं है, मुश्किल है। प्रिशा पहले नहा के रेडी है ना, तुम नहा ली ना? हाँ बोलो। हाँ तो प्रिशा को हम लोग ऐसे पानी से पोंछ के नहला दिए। तो सच में अगर यकीन नहीं हो रहा तो कभी आए और विजिट करके देखें कि नहा आप पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो चलिए अब नहा वहा ली है, दीदी सब नहा रही है, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं वादियाँ, पहाड़, पूरा बगल में पूरा पहाड़ है। और इधर इधर साइड से हम लोग आए, घर हमारा है, तो पूरा पठार, पूरा पहाड़ से बीच से आए हैं। मस्त लोकेशन था, मौसम ठीक नहीं उसके कारण से सीन आपको दिखा नहीं पाए, बट चलेंगे अभी, हो सके तो अच्छा सीन आए तो आपको दिखाएंगे। तो पहले पूजा करते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस पंडित जी को कहना है, बताना है कि ये जो भी देख रहे हैं, दुर्गा माँ का, सूर्य भगवान का, सीता माँ का जो यहाँ पे मूर्ति है, वो सब कुंड से ही निकला हुआ है ना पंडित जी? सब कोई कुंड से निकला हुआ है, और देख सकते हैं छत नहीं बना हुआ है, तो यहाँ छत नहीं बनता है, मान्यता है। हाँ, ना कुछ बली वली पड़ता है, ना कुछ होता है। तो ये है, बस हम लोग पूजा वूजा कर लें, गाड़ी में मस्त बैठ रहे हैं, और यहाँ सब निकलेंगे इन घाटियों से, वादियों से होते हुए घर की ओर। तो रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है, पुनाई का हनुमान मंदिर, तो अगर जाने का वैसा सहयोग बना तो जाएंगे, नहीं तो फिर घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि समय हो रहा है 12 बजे। 12 बजे हम लोग 8 बजे निकले हैं, भूख भूख बहुत तेज़ लगा हुआ है, प्रिशा हमारी सो रही है। तो चलते हैं यहाँ से, गाड़ी शुरू हो गया, मस्त बैठते हैं और निकलते हैं घर की ओर। जीजू जल्दी चलिए, और यहाँ से आप सीन का मजा लीजिए। रोड, ये हमारी रास्ता, और हमारे साथ है प्रिशा। अब बोली का जहाँ नहा रही थी, बोली बनिया घर में हैप्पी बचपन। तो मस्त वादियों का लुफ्त उठाने के लिए हम और प्रिशा उतर गए हैं। चलो चलो साथ में, चलो आ जाओ। प्रिशा को हम ले लिए और मस्त चल रहे हैं, इधर पहाड़ वहाड़ है, पहाड़ पे हम लोग, पहाड़ पे चल रहे हैं गाइस। क्या है ये देखो, प्रिशा कहाँ गए हम लोग, यो। तो गाइस ऐसे रास्ते में आते आते ऐसी वादियां देख सकते हैं, दूर दूर तक मस्त वादियां हैं। अब कैमरा में फील नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं, बट हम और प्रिशा आंखों से आके देख रहे हैं, बहुत भली बात ही है ना प्रिशा? इधर बताओ, कुछ बोलो उनको आने के लिए, नहीं बोलेगी बिल्कुल, 8 महीने की मात्र है। तो यहाँ से मस्त नीचे पूरा जंगल है, गड्ढा, और दूर दूर तक जंगल है, पूरा दूर दूर तक। तो मज़ा आ रहा है देखने से, रोड भी काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग रास्ता, मस्त है, ख़राब नहीं है, जंगल है पूरा, और घाटी वाटी मस्त है, तो आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हजारीबाग से आ रहे हैं तो इचाक होके आते हैं तो पुनाई मंदिर, और आपको सूरजकुंड धाम, दोनों घूमने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो हमने मज़े किया, आज पूजा किया, घूम भी लिया, तो अभी आए मज़े करें, मस्त हम लोग मज़े करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, काली गाड़ी और खाली पैर,
नहाने से भी ज्यादा गर्म लग रहा है, भागो जल्दी खतरनाक। तो गाइस अभी मस्त मेन रास्ता छोड़ के पुनाई मंदिर के रास्ते में घुस गए हैं, तो चलते हैं पुनाई मंदिर और मिलते हैं आपसे पुनाई मंदिर। तो गाइस मस्त हम लोग पुनाई मंदिर पहुंच गए हैं और चलते हैं अंदर। देखिए इतने सारे आंटी लोग आए हुए हैं मस्त पूजा करने। ये रहा मंदिर का मेन गेट, पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ और अभी चल रहे अंदर की और ये प्रिशा डिंग चला तुमको पानी में डुबाएंगे। और यही घंटा है, अरे नहीं बजा डिंग। और यहाँ सबसे मेन पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट ये पाएंगे तो ऐसे डूबने की। और यहाँ से ये व्यू जो आता है मंदिर का काफ़ी खतरनाक ऑसम। तो घूम लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस एक और चीज़ पता चला है, ये रहा हनुमान मंदिर और बगल में देख रहे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ बनेगा दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंडप। अब वो उसका कॉस्टिंग 3 करोड़ का है, इसमें फाउंटेन बनना अभी तक बना नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और जब दुर्गा मंदिर बनेगा तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगेगा, काफ़ी श्रद्धालु आएंगे। आज भी काफ़ी लोग हैं, कम नहीं है, हमेशा ही यहाँ लोग आते रहते हैं। तो आए अपने आस्था को भगवान के प्रति दिखाएं और घूम के पूजा पाठ करते रहें। तो यही वो दुर्गा मंडप है जो बन रहा है गाइस हनुमान मंदिर से, काफ़ी बड़ा एरिया में बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो समझ सकते हैं कि किस लेवल में बनेगा, हनुमान मंदिर से बड़ा बन रहा है तो कितना खतरनाक बनेगा। तो इंतज़ार करते हैं इसी टाइम का जब ये बन के रेडी हो हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में। तो गाइस टाइम हुए हैं 12:30, 1:30, अब मिला है खाने के लिए बिस्किट और ये सब लेज कुरकुरे, डॉली दी खिला रहे हम लोग को। और पूजा करके मस्त देखिए मंदिर छूट रहा पीछे और मस्त हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं बिस्किट खाते खाते हैं। घर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी नए टॉपिक पे। नहीं मिले तो गाइस मस्त पहुंच गए घर, गाड़ियाँ खड़ा तो चलते हैं, फ़ोन हो गया डिस्चार्ज, जल्दी जल्दी चार्ज करेंगे और वीडियो को एडिट करते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।